जनपद में 3 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 3 मार्च को मतदान किया जाएगा और जिलाधिकारी के द्वारा 9 विधानसभा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को भेजा गया है और वाहन में ईवीएम मशीन भी है। उन्होंने कहा कि यह प्रचार वाहन उन गांवों में जा रहे हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत सबसे कम था और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बीएलओ को यह दायित्व दिया गया है कि वह घर घर जाकर वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करे, जिससे कि जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए 70% लक्ष्य का मतदान हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में 3 मार्च को मतदान होना है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, हमारे यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इस समय गाड़ियाँ भेजी गई हैं, वैन गई हुई हैं, जिनके साथ ईवीएम भी हैं, और उन गांवों में विशेष तौर पे, उन बूथों पर विशेष तौर पे जहां पूर्व जो हमारा 2017 का चुनाव था, जहां मतदान कम था, वहां पर और जनपद के सभी गांवों में जो हमारी स्वयं सहायता समूह हैं, गांव में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ते हैं, जो अन्य हमारे कर्मचारी हैं, बीएलओ हैं, सभी को ये दायित्व तो दिया गया है कि घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करें, एक दस्तक अभियान की तरह उनको ये समझाएं कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है और आगामी 3 मार्च को मतदान के लिए अवश्य आएं। सर, कुछ लक्ष्य रखा गया इसके लिए? माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि हम लोग प्रयास करें कि 70% से ऊपर का मतदान यहाँ पर हो।